हेलो एवरीवन, आई एम वर्खा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मजे से मेरी सारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक हॉल वीडियो भी शेयर किया था, तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा हो तो मैं लिंक दे दूंगी, आप उसको जरूर देखिएगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफी डिफरेंट होने वाली है। मैंने काफी टाइम पहले इस तरह की कोई वीडियो अपलोड की थी, जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोस बनाती थी तब मैंने ऐसी वीडियोस अपलोड की थी अपने चैनल पे। तो काफी टाइम बाद मैं ऐसी कोई वीडियो बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली सीन कुछ ऐसा है कि मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि फेशियल घर पे करने का, तो लकली मुझे कुछ प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं जो कि फेशियल के ही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के साथ भी मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो मुझे जो प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं वो है अरोमा की तरफ से। तो अरोमा का ये फ्रूट फेशियल है, ड्राई फ्रूट फेशियल किट है। इसमें सारी चीजें पूरी अच्छे से लिखी हुई है कि कैसे क्या करना है। साथ में मुझे ये फेशियल ऑयल भी रिसीव हुआ है और मैं फेशियल ऑयल के भी बारे में सोच रही थी, बिकॉज मेरी ड्राई स्किन है और मैंने बहुत ज्यादा सुना है कि अगर आप मेकअप करें और मेकअप करने से पहले अगर आप फेशियल ऑयल को लगा लें तो जो आपकी स्किन है वो काफी ग्लोई हो जाती है और मेकअप भी काफी अच्छे से सेटल हो जाता है और ड्राई भी नहीं होता है, यानी कि ड्राई पैचेस नहीं पड़ते। तो मैं ये सारी चीजें आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और रिजल्ट भी देखकर जाएगा, क्योंकि मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ तो रिजल्ट तो देखना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। ओके, तो प्रोडक्ट जो है वो है अरोमा ट्रेजर्स की तरफ से, जो कि है ड्राई फ्रूट फेशियल किट। और ये जो प्राइसिंग है, मैं प्राइसिंग भी आपको बता देती हूँ। प्राइसिंग है इसकी 330 रुपीज, जिसमें से आपको कई पाउचेस मिल जाते हैं, इतने पाउचेस मिल जाते हैं इंक्लूडिंग दिस। ओके, तो इसमें अगर आप इससे पहले आपने कभी भी फेशियल नहीं किया है और आप घर पे फेशियल करना चाह रहे हैं तो इस किट में आपको सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक और जो बहुत अमेजिंग चीज़ लगी मुझे कि इसमें लिखे हुए हैं नंबर्स, 1 लिखा है इसमें, 2 लिखा है, ये है आपका 3, 4, 5, 6, तो सारे ही आपको मिल जाएंगे। इसमें प्रॉपर लिखा हुआ कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप यूज करना है, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा यूज करना और आप भूलेंगे भी नहीं कि कौन सा स्टेप किस स्टेप के बाद होना है और आप इसको इजीली कर सकेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम अपने हेयर्स को टाई कर लेते हैं। तो हमने अपने हेयर्स को टाई कर लिया अच्छे से, और हाँ आज मैं हेयर वॉश भी करने वाली थी इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना आज ही फेशियल किया जाए, उसके बाद में फटाक से हेयर वॉश कर लूंगी ताकि मैं आराम से चिल मार के रहूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना स्टेप, और स्टेप के लिए मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं, लाइक सारे पाउचेस रख लिए हैं एंड मैंने सीजर भी रख ली है और साथ में मैंने पानी भी रखा हुआ है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है तो मेरा हिंदी में चैनल है तो मैं हिंदी में चीज़ें बता रही हूँ आपको। ओके, तो क्लिंजिंग वॉश को यदि आवश्यकता हो तो थोड़े पानी के साथ मसाज करें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है स्क्रब का, उसके बाद फिर और सारी स्टेप है, तो मैं धीरे धीरे करके सारी स्टेप्स बताती जाऊंगी और मैं साथ में करती भी जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा मुझे आता भी है तो मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको शेयर करती जाऊंगी। अपने फेस को अभी वॉश नहीं किया है तो इसमें क्लिंजिंग का ही है। सबसे पहले तो हमें फेस को वॉश नहीं करने वाली हूँ, इसी को डायरेक्टली हम यूज करने वाले हैं। चलिए पहले सो कट करते हैं। उस दिन मैं पता है एक पैकेट ओपन कर रही थी, कोलैबोरेशन का ही था, और उसमें मेरा हाथ भी कट गया है यहाँ पर, तो काफी ज्यादा पेन भी हो रहा है उसकी वजह से। ये है हमारा पहला स्टेप जो कि है क्लिंजिंग का, और इसे हमें पानी के साथ मसाज करना है। तो हम इसको हल्का सा कट मार रहे हैं यहाँ पर साइड में, हल्का सा मैंने यहाँ पे कट मारा है ताकि अगर बच जाए तो नेक्स्ट टाइम यूज कर सकें। हमने हाथ को अपना गीला भी कर लिया है और इसमें हम लेते हैं कुछ तरह का है। काफी फन वीडियो होने वाली है आज की। है इसमें ना मसाज टाइमिंग भी दी हुई थी, तो टाइमिंग है ये है 5 मिनट। तो आप मेक श्योर करें कि ये जो ये एरिया होता है ना जहाँ पे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स पड़ जाते हैं, इसको अच्छे से करें, यहाँ पे इस एरिया में बहुत अच्छे से करें, मतलब पूरे फेस को हर तरह से मसाज करना। साथ में आप अपने नेक को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसको उतार देती हूँ, किसी भी एरिया को स्किप ना करूँ। बाय द वे ये इयररिंग्स बहुत ज़्यादा क्यूट सी हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हमेशा इसको वेयर करती हूँ। और जो तो मैंने 5 मिनट तक बहुत अच्छे से मसाज किया इनकी ब्लैक एंड क्लिंजिंग वॉश के साथ। तो अब इसमें लिखा हुआ कि मसाज करने के बाद इसको पोज देना है, क्लीन तो कर दिया है इसने। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्क्रब का, तो हमारे पास है ये आलमंड एंड फिज स्क्रब। स्टेप में लिखा हुआ है कि हमें इसे अच्छे से पानी से मसाज करना है 5 से 10 मिनट तक। तो अब हम जा रहे हैं इसको कट करने, और अगेन मैंने अपने हाथ को अच्छे से गीला कर लिया है। आलमंड के पार्टिकल्स भी फील हो रहे हैं, तो मैं इसको फटाफट से 5 से 10 मिनट तक मसाज करती हूँ एंड देन फिर आपसे मिलती हूँ।
अच्छे से स्क्रब भी कर लिया और अपने फेस को अच्छे से मैंने पोच भी लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये टोनर है इसमें और ये कुछ इस तरह से कॉटन का दिया हुआ है। टोनर में भिगोकर अपने पूरे चेहरे पर लगाना है। वाओ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऑल्सो एक सजेशन देना चाहूंगी कि जब आप इस मसाज को स्टार्ट करें ना, इस फेशियल को स्टार्ट करें, तो ये जो ये तीसरा स्टेप है इसको ना फ्रिज में लगा दीजिएगा। तो जब आप फ्रिज से निकाल के इसको यूज करेंगे तब आपको ठंडा ठंडा फील होगा, तब आई थिंक आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप इसमें है वो है इसकी क्रीम, और इसमें लिखा है कि यदि आवश्यकता हो तो थोड़ा सा पानी लेके अपने चेहरे पे मसाज करें। तो ले रहे हैं और इन्होंने बोला है कि आवश्यकता हो तो लेट्स ट्राई, पहले ऐसे ही लगा के देखते हैं, लगा ही लेते हैं पानी हल्का सा, तब ज़्यादा अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। वाओ, ऐसे बिल्कुल टॉफी वाली फीलिंग आ रही है इसको लगाने से। तो मसाज करने का जो सही तरीका होता है वो होता है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें हमेशा। जब भी आप गले में मसाज करें तो आप कुछ इस तरह से मसाज करें, और जब आप फेस पे मसाज करें तो हमेशा इस तरह से मसाज करें, ताकि जो स्किन है वो आपके ऊपर की तरफ रहे और लूज ना हो और टाइट रहे। और साथ में आप इस तरह से मसाज कर सकते हैं, नाक से कान की तरफ आपको ले जाना है दोनों ही हाथों को। तो हमेशा ये याद रखिए कि आप नाक से कान की तरफ ले जाएंगे तो ये जो स्किन है वो आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर मान लीजिए आप उल्टा करते तो ये ऐसे आएगी ना, तो ऐसे नहीं करना है आपको, हमेशा इस तरह से आपको करना है मसाज, जिससे आपका जो फेस है वो हमेशा टाइट रहेगा और एजिंग प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है जल्दी आपके फेस पे। तो आप इसको फटाफट से करेंगे जल्दी जल्दी, तो आपको खुद चेहरे में ग्लो फील होगा जब आप रिजल्ट देखेंगे एंड में। और नाक में कुछ इस तरह से आपको करना है। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इनका डेट एंड फेज मास्क, जो कि अब हमें चेहरे पे लगा के छोड़ देना है 15 मिनट के लिए, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है। पानी मिलाने के लिए तो इसमें नहीं बोला गया है, तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं, हल्का सा कट ही लगाएंगे। ओके, तो कुछ इस तरह से। तो मैंने इस मास्क को अपने फेस पे अच्छे से लगा लिया है, तो मैं मिलती हूँ आपसे 15 मिनट बाद और देखती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। ओके, तो हो चुके हैं 15 मिनट और धूप भी सामने पड़ रही है। तो अच्छा, ये अच्छे से सूखा नहीं है, आई डोंट नो कितनी देर में सूखेगा, बट उससे 15 मिनट लिखा हुआ था, तो मैं अब जाके इसको वॉश कर दे रही हूँ। ओके, तो मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है एंड आप इसका एंड रिजल्ट देख सकते हैं। तो मुझे तो इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंड इसमें अभी एक लास्ट स्टेप अभी और बाकी है, सनस्क्रीन लोशन। तो अब हम इसको फटाफट से अप्लाई करते हैं, और सिर्फ चेहरे पर लोशन लगाना है और इसको लगे रहने देना है, मतलब इसको अप्लाई करना है एंड देन फिर आपको वॉश नहीं करना है, इसको लगे रहने देना है। तो ये है हमारा लोशन, तो अच्छे से अपने फेस पे लगा लेना है। वाओ, ओके, तो दिस इज वाइट कास्ट, मैं पहली बार किसी सनस्क्रीन लोशन वाइट कास्ट देख रही हूँ, अदरवाइज सब सुनती हूँ कि वाइट कास्ट हो जाता है, बट पहली बार मैंने देखा। दिस इज माई फाइनल लुक, मैंने सिर्फ लिपस्टिक और बिंदी लगाई है और मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है, और मुझे पर्सनली ये काफी अच्छा लगा, मैं दोबारा फिर से इसे ट्राई करना चाहूंगी। फिर से ट्राई करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से आके इसको बाय कर सकते हैं, घर बैठे ही अपना फेशियल आराम से कर लेंगे। इसे मेंशन कर रखा है कि ये प्योरली इंडियन मेड ब्रांड है, तो ये इंडियन ब्रांड है जो कि हमारे लिए काफी प्राउड की चीजें हैं, और इसमें जो जो चीजें इन्होंने यूज किया है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, और ये क्रुएल्टी फ्री है। वैसे तो इन्होंने वन टाइम यूज किट दे रखा है इसमें, इस तरह से पाउचेस में है तो आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें से जो भी क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है आपके लिए, तो आप एक बार में दो लोग कर लीजिए, मतलब एक दूसरे के आप साथ में अपने फ्रेंड के, मम्मी के या किसी के भी साथ में कर लीजिए, उनको आप कर दीजिए, वो आपके कर देंगे, तो दोनों लोग के एक ही टाइम पर फेशियल भी हो जाएगा और मी टाइम भी हो जाएगा। ऑल्सो ये किट भी आप अच्छे से यूज कर पाएंगे, नहीं तो ये रखे रखे सूख जाएगी अगर इसमें प्रोडक्ट बच गया है तो। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करिएगा, मे बी किसी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए। तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।